ਸਵੱਛਤਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਛੜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਆਲਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी हाँ, कुछ अजिहा ही गंदगी दा आलम है सेक्टर 22 दे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे सामने। स्कूल दी दीवार दे नाल ही तुहानू कूड़े दे ढेर लगे हुए नजर आ जाणगे। चंडीगढ़ दे विच विचकार इह सेक्टर है ते इस दे बावजूद सफाई दा इह आलम देखण नू मिल रिहा ते इस तरह दा ही नजारा तुहानू लोकां दे घरां दे सामने भी दिखाई दे जावेगा, क्योंकि इत्थे भी कूड़े दे ढेर नजर आ रहे ने ते अजिहा ते जिसदे चलदे लोक भी काफी परेशान ने। ये सेक्टर 22 में जो कूड़े के ढेर देख रहे हैं आप, पूरे सेक्टर में यही ढेर दिखेंगे आपको कूड़ों के। पार्कों के अंदर जो हॉर्टिकल्चर वाले अपने पेड़ के पत्ते काट देते हैं उसी के ऊपर ये मलबा वगैरह फेंक देंगे अपना, या मलबा नीचे दबा देते हैं अपना और ऊपर पेड़ पत्ते ऊपर डाल देते हैं। जिसके बारे में हमने कई बार इनको बोला कि भी स्मार्ट, एक तरफ ये बोलते हैं स्मार्ट सिटी फुल मनाना, हमने चंडीगढ़ को नंबर 1 पे लाना है। अगर यही हालात रहे तो हमें नहीं लगता कि चंडीगढ़ कभी नंबर 1 पे आ सकेगा। मार्केट के साथ लगता हुआ है बेशक, फिर भी ना मार्केट वालों को भी कई बार ये लोग आते हैं कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। अब सफाई कर्मचारी है जो 22 के, ये अक्सर हर रोज उठवाते हैं यहाँ से कूड़ा शाम को, और सवेरे देखते तो ऐसी कूड़ा TTC पड़े ही रहते रहे यहाँ, ये कई दिनों से ऐसे ही है पड़ा हुआ कूड़ा। पार्षद का ये विजिट तो आते हैं एरिया में, मगर प्रॉपर वर्किंग जैसे होनी चाहिए एक पार्षद को चाहिए कि एरिया में गंद नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जैसे वर्किंग होनी चाहिए, पर वर्किंग नहीं दिख रही है यहाँ 22 के अंदर। बड़ी बार कंप्लेंट कर चुके हैं पर आए भी हैं, कई बार ठीक भी किया, इतने तो नाला भी बंद होया, कई बार इतने बदबू भी बनती है, इतने गटर सारा दिन बंद रहता है। चुके हैं हूँ नाल वाले जो होटल है दुकान, उन्होंने भी कई बार किया है, हम देखो कहते कर रहे हैं कई बार तो उसे पहले रेडी खड़ी होती थी और चकार थी सुनवाई, तो 15-15, 20-20 दिन उठाते नहीं है कूड़े के ढेर। हर जगह कौन सी गली में भी आप जाके देख लो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और जो शिवजे के ढक्कन है ये भी पूरे प्रॉपर है नहीं, कोई ऊपर है कोई नीचे, सारे ऐसी मतलब बच्चों का गिरने का खतरा रहता है। यहाँ हमारे जहाँ से इधर लैट्रिन बनाई है स्मार्ट सिटी की, इसके पीछे रोज़ पानी गंदा निकलता है, दूसरे तीसरे दिन फिर बंदे आते खोल जाते फिर पानी निकलता है। ये 4-5 सालों से प्रॉब्लम चल रही है गंदे पानी की जो बाहर आ जाता है रोड के, कहते हैं बस वो बंदे बेचता बस आके कर जाते हैं। ये जब से पिछले प्रसाद से शर्मा जी तब नहीं हुआ, अब क्या होना है, हम रोज कंप्लेंट लिखाते हैं, बस आते हैं 2 मिनट फिर खोल के अगले दिन फिर ऐसे हो जाते हैं। सीवरेज का जो पानी निकलता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, कूड़े के ढेर भी तो है ही है सब जगह। सर ऐसी बात है, जो पार्क बने हुए कुछ ही टाइम हुआ है पर यहाँ पे गंदगी का बहुत बुरा हाल है। कभी बोलते हैं हमारे पास ट्रॉली नहीं है, कभी कुछ नहीं है, हम कोई आता ही नहीं है सफाई करने के लिए, यहाँ तो स्मेल बहुत गंदी आती है, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे सैर करने भी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा सर। जो आपको कोई काम ही नहीं होता, कोई सफाई नहीं होती, एक नंबर कैसे बन जाएगा, सिटी ब्यूटीफुल कैसे बन जाएगा। ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।